नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ धनेश पक्षी से जुड़े हैरान कर देने वाले दिलचस्प रोचक तथ्य और धनेश पक्षी के बारे में पूरी जानकारी को शेयर करने जा रहा हूं। कृपया दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, धनेश पक्षी की चोंच लंबी और नीचे की ओर घूमी हुई होती है, जो इसकी मजबूत गर्दन से जुड़ी होती है, जिस पर सींग की तरह दिखने वाला एक उभार होता है और अमूमन ऊपर वाली चोंच के ऊपर लंबा उभार होता है। धनेश पक्षी की चोंच ही इसकी मुख्य पहचान है। इसी वजह से इस पक्षी को अंग्रेजी भाषा में हॉर्नबिल कहते हैं। दोस्तों, हॉर्न का मतलब सींग होता है और बिल का मतलब चोंच होता है, यानी कि चोंच पर सींग वाला पक्षी। धनेश पक्षी की आवाज़ काली चील से बहुत मिलती जुलती होती है। दोस्तों, धनेश पक्षी के शरीर का आकार लगभग 30 सेंटीमीटर से लेकर 4 फुट तक हो जाता है, जबकि भारतीय धनेश पक्षी के शरीर का आकार लगभग 25 इंच के आसपास ही होता है और इसके शरीर का वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 4 किलो 800 ग्राम तक हो जाता है। नर धनेश पक्षी मादा से आकार और वजन में ज्यादा होता है। दोस्तों, धनेश पक्षी के शरीर का आकार और वजन इसकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों, धनेश पक्षी ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और मलेशिया में पाया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में धनेश पक्षी की 55 प्रजातियां मौजूद हैं और इनमें से भारत में धनेश पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो रंग और आकार में अलग अलग होती हैं। दोस्तों, भारत में धनेश पक्षी की 9 प्रजातियों में मालाबारी स्लेटी धनेश, भारतीय स्लेटी धनेश, मालाबारी धब्बेदार धनेश, पूर्वी धब्बेदार धनेश, विशाल धनेश, आश्टन का भूरा धनेश, लाल गर्दन वाला धनेश, ऋणदेड धनेश और नारकोंडम धनेश पाए जाते हैं। इनमें भारत की मुख्य प्रजाति इंडियन ग्रे हॉर्नबिल मतलब भारतीय स्लेटी धनेश है। दोस्तों, धनेश या हॉर्नबिल पक्षी केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। कुछ प्रजाति के पक्षी मनुष्य से नहीं डरते हैं और उनके पास चले जाते हैं, जबकि कुछ प्रजाति के धनेश सामने आने से डरते हैं और जंगलों में छुपे रहते हैं। दोस्तों, यह पक्षी मुख्यतः सर्वारी है। इनका मुख्य भोजन फल, कीड़े या छोटे जानवर होते हैं। कुछ प्रजाति केवल फल खाती हैं तो कुछ सर्वाहारी होती हैं। ज्यादातर पक्षी जंगलों में रहते हैं और फलों को मुख्यतः खाते हैं। घास के मैदानों में रहने वाला धनेश सर्वाहारी होता है। धनेश पक्षी पेड़ों में बने क्वार्टर या हॉल में रहते हैं, यही उनका निवास स्थान होता है। मादा धनेश इसी क्वार्टर में करीब 2 से 6 अंडे देती है। दोस्तों, अंडों की संख्या धनेश की प्रजाति पर निर्भर करती है। अंडों से बच्चे निकलने तक मादा धनेश क्वार्टर में ही रहती है। अंडों से बच्चे निकलने का समय 25 दिन से लेकर 50 दिन तक का होता है। भोजन प्रबंध का काम नर धनेश करता है। बच्चों के वयस्क होने तक कोटर की शिकारियों से हिफाजत की जाती है। इसके लिए नर घोंसले को सील कर देता है, जिसमें केवल भोजन देने का छेद ही रहता है। इस छेद के जरिए नर धनेश मादा और बच्चों को भोजन पहुंचाता रहता है। बच्चों के बड़े होने पर मादा धनेश घोंसले पर बनी दीवार को हटा देती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ धनेश प्रजाति झुंड में पाई जाती हैं, जबकि ज्यादातर पक्षी जोड़े या परिवार में रहते हैं। प्रजनन के समय भी यह जोड़ा बनाते हैं। धनेश पक्षी का बनाया हुआ जोड़ा जीवन भर रहता है। धनेश पक्षी दिन के समय सक्रिय रहते हैं, जबकि रात को यह पक्षी आराम करना पसंद करते हैं। धनेश की मजबूत चोंच पेड़ पर बिल बनाने और शिकार करने में बहुत मदद करती है, जबकि दोस्तों इस पक्षी की जीभ छोटी होती है। इससे चोंच की नोक पर मौजूद भोजन को यह निगल नहीं पाता है।
इसलिए भोजन को निगलने के लिए गर्दन को पीछे की ओर झटका देना पड़ता है। दोस्तों, धनेश पक्षी उड़ने के भी बहुत शौकीन होते हैं। यह पक्षी लगभग 2000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। दोस्तों, धनेश पक्षी का औसतन जीवन काल 20 साल से लेकर 50 साल तक हो जाता है। इसका जीवन काल इसके रहने के क्षेत्र और प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको धनेश पक्षी के बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पशु पक्षियों के बारे में मज़ेदार रोचक तथ्य और नई नई जानकारी के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।